Let's discuss this question. In the circuit, find the potential difference across the capacitor. हमें जो potential difference निकालना है वो across the capacitor find करना है. तो इसका मतलब ये होगा कि हमें C और जो point F है इसके बीच का potential drop हमें find करना है. Potential difference between C and F. अब देखो यहाँ पर जो battery connected है वो है DC current की, और जब एक capacitor fully charge होगा तो कैपेसिटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस ब्रांच को हम रिमूव कर सकते हैं. इन स्टेडी स्टेट व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, सो नो करंट फ्लो फ्रॉम द ब्रांच सीईएफ. तो मैं इसको रिमूव करके फिर जो बचा हुआ सर्किट है उसको ड्रॉ करूंगा. अब जो हमारे पास रिड्यूस सर्किट होगा उसमें हमने इसको हटा दिया है और बचा ही है. तो आप देखो यहाँ पर 3 और 3 ये दोनों सीरीज में होंगे एंड इट विल बी पैरेलल विद द एडी 3 ओम. अब जो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला होता है उसमें हम डायरेक्टली इनको ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस को, और पैरेलल में हम रेसिप्रोकली ऐड करते हैं. तो ये जो 3 और 3 है इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 यानी कि 6, और ये इस 3 के साथ रहेगा पैरेलल में. तो देखो रेजिस्टेंस बिटवीन आर बी डी कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 प्लस 3 यानी कि 6 ओम, और ए डी इसके साथ किस में, पैरेलल में. ये 6 और 3 पैरेलल में आएगा तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा, वैसे रेसिप्रोकली करते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3 ये हो गया 18 अपॉन में 9 या फिर 2. अब जो 2 रेजिस्टेंस आया है मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2. तो ये जो 2 आया ये 3 के साथ रहेगा किसमें, सीरीज में. तो जो R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट आएगा 2 प्लस 3 क्योंकि दोनों सीरीज में, तो आ जाएगा 5 ओम. तो अब हमें ये पता चल गया कि इस पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है वो है 5 ओम, और जो टोटल पोटेंशियल है सर्किट की वो है 15 वोल्ट. तो हम फाइंड कर सकते हैं कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा यहाँ पर. अब V इक्वल टू आई आर होता है, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम I निकाल सकते हैं V अपॉन में R, सो इट विल बी 15 अपॉन में 5. तो ये आ गया I करंट हमें मिलेगा 3 एम्पियर, यानी कि पूरे सर्किट में 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. ये करंट मुझे क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा सी डी और डी एफ के बीच में, ताकि मैं सी और एफ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकूं. तो करंट हमें पता होना चाहिए सी डी में कितना होगा, डी एफ में कितना होगा. तो अब वो ही हम निकालेंगे. अभी हमने टोटल सर्किट से जो करंट जा रहा है, बैटरी से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 3 एम्पियर का. अब देखो करंट कैसे हम निकालेंगे, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से जो करंट जा रहा है गिवन है हमें 3 एम्पियर, मतलब गिवन नहीं, हमने फाइंड करा 3 एम्पियर. तो लेट ऊपर वाले सर्किट में जो करंट गया वो गया आई वन. अब जो आई वन है ये सी और डी में भी आई वन जाएगा, ठीक है. और लेट ए डी में जो करंट जा रहा है वो मान रहा हूँ मैं आई टू जा रहा है. अब देखो आई वन और आई टू निकालने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला आता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और वी वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो आई वन जो होगा वो होगा आर टू आई अपॉन में आर वन प्लस आर टू, और जो I2 होगा वो होगा R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इनटू में I. मतलब कि अगर आपको I1 निकालना है तो ऊपर दोनों जो दूसरा रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और I2 निकालना जो R1 है उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ये तो सेम है I अपॉन में R1 प्लस R2, I अपॉन में R1 प्लस R2. अब ऐसे यहाँ पर हम I1 निकालना चाहते हैं, तो I1 किसके इक्वल हो जाएगी, जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है, मतलब हम इनमें करंट निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर ये कितना है, 3 और 3 6 हो जाएगा. ये तो यहाँ पर मैंने 6 क्यों लिया है, क्योंकि इस पूरे में आई वन करंट जा रहा है, तो 3 प्लस 3 6 होगा. सो आई वन विल बी इक्वल टू 3 अपॉन में 14 9. जो टोटल करंट है वो कितना है जो निकल रहा है बैटरी से, 3. तो ये हो जाएगा आई वन आएगा 1 एम्पियर. और अगर आपको आई टू निकालना है तो आई टू निकालने का दूसरा तरीका ये भी कि आप आई में से आई वन निकाल दो, ठीक है, किरचॉफ करंट लो. तो आई टू आ जाएगा, टोटल करंट कितना है 3 माइनस ऊपर कितना गया 1 एम्पियर, तो आई टू आएगा 2 एम्पियर. तो अब हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर करंट कितना जा रहा है और यहाँ पर करंट कितना जा रहा है. तो ऊपर जा रहा है 1 एम्पियर और 3 ओम नीचे वाले में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 2 एम्पियर. अब हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी और एफ, इसको तो हमने रिमूव कर दिया है. तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस सी डी और डी एफ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐड कर दे. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी और एफ, मतलब इन दोनों बीच के पोटेंशियल डिफरेंस. अब आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर सी डी एफ के थ्रू भी निकाल सकते हो.
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी और एफ हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी एफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी वो होता है आई इंटू में आर। तो हम जब सी डी लेंगे तो सी डी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा यहाँ पर करंट कितना इंटू में आर कितना है। तो जो करंट हमने निकाला था वो आई वन था और वो उसकी वैल्यू आई थी 1 एम्पियर। तो 1 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है ये 3, ठीक है। फिर आ जाओ डी एफ के बीच में प्लस, तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा, वही करंट फ्लो होगा जो बैटरी से निकला है टोटल करंट यानी कि 3 एम्पियर, क्योंकि जो करंट डिवाइड हुआ है 3 एम्पियर वो यहाँ पर डिवाइड हो गया 2 एम्पियर और यहाँ पर 1 एम्पियर। लेकिन इसके बाद फिर से टोटल करंट उतना ही आता है बैटरी में जितना कि निकला है। तो ये डायरेक्टली उसी बैटरी के ब्रांच से कनेक्टेड है तो यहाँ पर करंट कितना रहेगा 3 एम्पियर। तो 3 हो गया करंट इंटू में रेजिस्टेंस कितना 3, तो ये हो गया 3 प्लस 3, 3 जा 9 यानी कि 9 3 12। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एक्रॉस या कह लो बिटवीन सी और एफ ये आएगा 12 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और अगर आपको ये कैसे निकालना है, ये कैसे फॉर्मूला यूज किया है इसको, इस पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इसका डेरिवेशन मैं अलग से करवा दूंगा।